हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ 10 डेज। और आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको दूसरे रोल के बारे में बिगो के। जैसा कि आपको पता है कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि वर्स्ट केस है वो कैसे आपको कंसीडर करना है और कैसे आपको उसको कैलकुलेट करना है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कैसे जो आपको इग्नोर करना है रिमूव को या फिर कॉन्स्टेंट को जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताता हूँ कि कैसे आप जो इग्नोर कर सकते हो वहाँ पर कॉन्स्टेंट को जो आपको इग्नोर करना है जब भी आप कैलकुलेट करोगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिगो में। उससे पहले आप इस चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो मेरा प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम को मैंने ऑलरेडी पिछले वाली वीडियो में डिस्कस कर रखा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे देखो ये मेरा एरे है जिसका साइज 10 है। यहाँ पे 10 नेम्स है मेरे पास, इसमें से एक नाम से फाइंड करो। यहाँ पर अगर मेरा फाइंड नाम हो रहा है तो यहाँ पे फाउंड रिटर्न कर देता हूँ, और जैसे मैं रिटर्न कर देता हूँ तो यहाँ पे मैं ब्रेक कर देता हूँ। अब देखो ब्रेक वाला जो कंडीशन है ये मेरा हमेशा एक ही टाइम रन होगा, आपको पता है कभी इस लूप के अंदर है, क्योंकि ये कंडीशन जब भी ट्रू होगी इफ वाली कंडीशन तभी यहाँ पर आएगी। तो आप इसको बोल सकते हो कि इसका टाइम जो रनिंग टाइम जो है वो ऑफ 1 है, ठीक है। पर बाकी ये सारी चीज़ें जो है वो इफ़ कंडीशन हमेशा जो है चेक होगा, तो ये वाली कंडीशन ऑफ एन टाइम से चलेगी। पर इफ़ के बाद जो है यहाँ पे हो सकता है कि आपका जो एक अभ्या नाम का जो हो सकता है दूसरी वैल्यू आ जाए, तीसरी वैल्यू आ जाए, यहाँ पे आपका जो है आउटपुट जो है वो एन टाइम भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी जिससे इसको कैलकुलेट करोगे आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो यहाँ पे अगर आपको मैंने बता रखा है कि सबको आपको ऐड कर देना है, ठीक है। तो ओ ऑफ वन वाले जितने हैं उसको भी ऐड कर दो, ऑफ एन वाले जितने उसको भी ऐड कर दो। तो ओ ऑफ वन वाले कितने हैं देखो, 1 + 1 + 1, तो ये आपका ओ ऑफ 3 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे आपको एन वाले कितने हैं, तो यहाँ पे एन वाले हैं ओ ऑफ एन, ओ ऑफ एन 2n, तो 3 + 2n, तो 3 + 2n को जो है आप यहाँ पे देखो कॉन्स्टेंट क्या क्या है। देखो कॉन्स्टेंट जो है आपका 3 है और यहाँ पे 2 है, तो आप डायरेक्टली 3 + 2 ऐसे करके नहीं हटा सकते, ठीक है। तो पहले आपको धीरे धीरे ख़त्म करना है। तो देखो जैसे यहाँ पे 2n के सामने 2n की जब वैल्यू आप कंसिडर करें तो आपको +3 की वैल्यू उतनी ज़्यादा नहीं है, उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका जैसे देखो अभी अगर एन 1 है तो यहाँ पर प्रोग्राम कितनी बार चलेगा, 5 बार, पर अगर 2 है तो 7 बार, पर आपका ये 1000 है तो कितनी बार चलेगा, 1000 को 2 से मल्टीप्लाई, 2000 में अगर आप 3 ऐड करते हैं तो चाहे वो प्रोग्राम 2000 टाइम्स चले या फिर 2000 3 टाइम्स चले, उतना डिफरेंस नहीं होगा। फिर आप अगर इस वैल्यू को और बढ़ा दो 10000 कर दो, तो आपका वैल्यू अगर 20000 टाइम्स चलता है ऑपरेशन या फिर 20003, तो यहाँ पे देख सकते हो 3 की वैल्यू जो है वो बहुत कम होती जा रही है जैसे जैसे मैं वैल्यू को एन को बढ़ा रहा हूँ। इसलिए क्या कि आप इसको 3 को जो है स्किप कर सकते हो। 3 ये मेरा क्या था, कॉन्स्टेंट था, इसको मैं हने हटा दिया, ऑप्स यहाँ पे नहीं हटाते हैं, आगे हटाते हैं, ठीक है। तो 3 को आप हटा दो तो अभी आपका बच जाएगा ओ ऑफ 2n, ठीक है। फिर उसी तरह से आप अगर यहाँ पे देखो एन की वैल्यू अगर आप फिर बढ़ाओगे बहुत ज़्यादा तो यहाँ पे 2 की वैल्यू ज़्यादा नहीं रह जाएगी, तो आप 2 को भी हटा सकते हो, तो यहाँ पे बच जाएगा ओ ऑफ एन। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप बोल सकते हो कि इस प्रोग्राम की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ओ ऑफ एन है, क्योंकि मैंने जो कॉन्स्टेंट था उसको मैंने एलिमिनेट कर दिया। उसके बाद मैं दूसरा प्रोग्राम जो मैंने लिखा था वो मैं आपको बताया था यहाँ पे। तो ये वाला प्रोग्राम भी मैंने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में समझा रखा है। अगर आपको नहीं पता है वो वाला वीडियो आपने नहीं देखा तो आप मेरे आई बटन से जाकर के देख सकते हो, या फिर आपको उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। इससे पिछले वाले वीडियोज़ के पिछले वीडियो मतलब लास्ट 2 वीडियोज़ में आप देखोगे तो ये वाले प्रोग्राम को मैंने समझा रखा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे जैसे आप ऑलरेडी मैंने ये ओ ऑफ वन ओ ऑफ एन आपको समझा रखा है, तो यहाँ पे जैसे आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल रहे थे तो यहाँ पे आप क्या कर रहे थे, ये देखो ओ ऑफ वन वाले कितने हैं, ओ ऑफ वन वाले 1 2 3 4, मान लो कि मैं इसको क्या करता हूँ कि मैं इसको इधर भी रख देता हूँ, मैं मेन प्रोग्राम में भी सेम चीज़ मैं इधर कर देता हूँ, ठीक है। अभी आप सोच रहे हो कि क्या ये एक ही जो वैल्यू यहाँ पे यहाँ पे दिक्कत नहीं होती, तो देखो ये सब का स्कोप रहता है, वो भी आपको बाद में पता चलेगा। आपको ऑलरेडी पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको अगर नहीं पता तो ये सारी चीज़ कि आप एक ही नाम के वैल्यू जो है वो कहाँ दो जगह यूज़ कर रहे हो, तो सब का स्कोप एक डिफाइन रहता है। अगर मैंने यहाँ पर डिफाइन करा तो इसका स्कोप जो है वो यहाँ से लेकर के यहीं तक है, इसके बाहर इसको एक को कोई नहीं जानता है, उस तरह से यहाँ पर जो इसका स्कोप है इसी के अंदर यहीं तक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मान लो कि ये वाले मैंने यहाँ पे भी रख दिया। अभी देखो ओ ऑफ वन का आप अगर इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करोगे तो ओ ऑफ वन का कितना प्रोग्राम है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे 9 और 10, मतलब देखो तो यहाँ पे ओ ऑफ जो है वन वाले जो कितने हैं वो वाले वन वाले जो है वो 10 है, तो ऑफ 10 को आप 1 ही कंसिडर करोगे। और प्लस अब यहाँ पे सोच रहे हो आप कि मैं प्लस क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्लस एक्चुअली में आपको इस हिसाब से याद रखना है, यदि आपका एक आइडेंटिफिकेशन में रहता है ना तो आप प्लस ही करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये सारे जो है सारे एक लाइन में है, फॉर लूप जो है वो एक लाइन में, तो प्लस। अब इसके अंदर कोई एक और लूप होता है तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो वो आपको धीरे धीरे आप जो मैं आपको एन स्क्वायर वाला बताऊंगा तो आपको और आइडिया लग जाएगा, अभी आपको उतना नहीं सोचना है,
ठीक है, पर फिर मैं आपको क्लियर करने के लिए, अगर जिन लोगों को आइडिया है थोड़ा सा ज़्यादा, तो उनको क्लियर करने के लिए मैं बता दिया हूँ। ठीक है, तो अब आपका जब एक ऑरिएंटेशन के अंदर रहेगा, मतलब एक लूप के अंदर दूसरा लूप रहेगा अगर, तो उसको आपको एन स्क्वायर में कंसिडर करना है, मतलब मल्टीप्लाई में करना है। आपका इसी के अंदर रहेगा तो आपको जो है वो प्लस में लिखना है, तो आपको धीरे धीरे वो भी सारी चीज़ें भी क्लियर कर दूंगा। तो अभी देखो यहाँ पे वो वन वाले तो मेरे पास 10 हो गया, और इन एन वाले कितने हैं यहाँ पे देखो, एन वाले जो वो वन है और टू है, बस इन वाले जो वो टू ही है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2n। तो फिर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कॉन्स्टेंट को जो है वो क्या करना है, आपको एलिमिनेट कर देना है। तो यहाँ पे देखो +10 को जो है इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो, तो अभी आपको हो जाएगा ओ ऑफ 2n। और फिर यहाँ पे भी आप 2 को भी एलिमिनेट कर सकते हो, तो यहाँ पे बच जाएगा आपका ओ ऑफ n। क्योंकि देखो जो आपको चार्ट देखा था आपने बिगो का, अगर आपने नहीं देखा तो आपको वापस से दिखा देता हूँ। देखो ये वाले चार्ट में देख रहे हो आप, यहाँ पे ओ ऑफ 2n कहीं नहीं, या फिर ओ ऑफ 5n कहीं नहीं, यहाँ पे आप सिर्फ ओ ऑफ n है, या फिर ओ ऑफ log n है, या फिर ओ ऑफ 1 है, या फिर ओ ऑफ 100 है, तब भी आपका ओ ऑफ 1 ही कंसिडर कर सकते हो उसको। तो इसलिए बोला जाता है कि कॉन्स्टेंट को जो आप इसको रिमूव कर सकते हो, आपको जब भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बतानी वो आपको इसी टर्म में बतानी है, इतने इतने में। ऐसा नहीं कि आप बता सकते हो कि मेरा ओ ऑफ 5n है, या फिर मेरा ओ ऑफ n बाई 2 है। अगर आपका ओ ऑफ n बाई 2 है, तब भी जो है वो आपका ओ ऑफ n ही कंसिडर किया जाएगा। तो इस वाले ग्राफ में से जितने भी आपको बनाने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो इसी में से बताना है आपको, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बताना ज़्यादा। ठीक है, ऑलरेडी इसका ग्राफ यहाँ से यहाँ मेजर किया गया है। अब ऐसा थोड़ा है कि ऑफ वन में मतलब कि ये एन हमेशा 5 ही रहेगा, 10 ही रहेगा, ऐसा नहीं। इसलिए ओ ऑफ एन दिया गया है, भाई 100 भी रह सकता है, 50 भी रह सकता है, तो 50 भी ऑफ एन में ही आ गया, एन बाई 2 में रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसीलिए जो है आपको जितने भी प्रोग्राम जो लिखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप कैलकुलेट करोगे, तो वहाँ पर आपको कॉन्स्टेंट को एलिमेंट कर देना। इसलिए देख रहे हो यहाँ पे 2n को मैं एलिमेंट करके यहाँ पे अब सिर्फ n इन लिख दिया हूँ। तो अभी जो है उसी तरह से अगर आपका कोई दूसरा रहेगा, मान लो कि आपका ऐसा रहेगा कि ओ ऑफ मान लो कि यहाँ पे 100 + 5n करके रहेगा, ठीक है, तो आप भी इसको भी सेम बोल सकते हो कि इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो है आपका ओ ऑफ n। धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा, अभी आप तेज़ी में जो है प्रोग्राम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना भी सीख जाओगे जल्दी जल्दी। तो आपको अभी आइडिया लग गया हो कि यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट जो चीज़ें होती है उसको आपको हटा देना है। ठीक है, तो यही था आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि जो आपके कॉन्स्टेंट रहेंगे उसको आपको इग्नोर कर देना है, और बाकी आपको कैलकुलेट करना सिंपल। ठीक है, अगर आपको अभी भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बस आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में।